क्रस्टेशियंस, तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एडिशन ऑफ किटीन्स। सो यहाँ पे एडिशन ऑफ किटीन्स के अंदर हमारे पास 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इस रिएक्शन को करने के लिए दैट इज ये जो रिएक्शन है प्रोसीड होंगी इन थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन। तो थर्मल कंडीशन हमारे पास क्या होती है, डेल्टा। लेकिन जब हमने अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी किया था जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है ये प्रोसीड किसके अंदर होती है, HNU के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम ये जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन थ्रू किटीन्स करा रहे हैं तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन क्यों फॉलो हो रही है ये सब हम आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सो ये प्रोसीड किसके अंदर होंगी, डेल्टा के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज दिस प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, किटीन, किटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। सो सी डबल बोन सी सीएल सीएल ये किटोन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होगी, अगर हम यहाँ पे लगाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन जो है सिस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी हमको क्या मिलना चाहिए, सिस। तो किस तरीके से मिलेगा, लाइक ये बॉन्ड है, ये इस पे ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सीएल सीएल। एंड यहाँ पे जो एच है वो सिस है, तो अगर हम यहाँ पे एच को डैश से शो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एच किससे शो करेंगे, डैश से ही। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, सिस मॉलिक्यूल की। अगर यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस में प्रेजेंट है लाइक किस तरीके से, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड सेम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सी सीएल सीएल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम जो है थर्मल कंडीशन के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर एंड ये वाला इस के ऊपर, तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो ये रिंग बनी थी सेम एग्जैक्ट डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एल। ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ट्रांसपोजिशन पे है, ट्रांस, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन अगर लाइक हम यहाँ पे शो कर रहे हैं किससे, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ डैश से, तो इसको हम शो करेंगे वेज से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइक किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्योंकि हमने बोला जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है टू द किटीन्स ये प्रोसीड होंगी थर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन हमको पता है कि जो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, HNU फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर। लाइक जब हम फोटोकेमिकल कंडीशन लगाते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी इंट्रेक्शन होती है, सुप्रा सुप्रा, एंड सुप्रा सुप्रा इंट्रेक्शन जो होती है इसी को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2+2 थर्मल कंडीशन के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रेक्शन को कौन सी हो जाएगी, लाइक पाई 2πS+2πA लाइक सुप्रा एंड एंट्रा, तो ये वाली इंट्रेक्शन हो जाएगी जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। बट इन किटीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे पास राइट एंगल की तरफ जो है लोब शिफ्ट हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्रेक्शन होगी, इसी वजह से यहाँ पे हम थर्मल कंडीशन जो है इसको ले रहे हैं।
ठीक है, वो किस तरीके से होगी सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहां पे है किटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो किटीन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक कार्बन एंड वन कार्बन ओ। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कीटोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो यहां पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सो इसके लोब्स कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कार्बन के लाइक दिस। ठीक है, एंड ये जो कार्बन है इसका लोब कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो यहां पे एक सजेशन दिया गया है जिसमें क्या होगा, ये जो लोब है राइट एंगल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किस तरीके से शिफ्ट होगा, लाइक ये स्टेट है तो अब ये थोड़ा सा इस तरीके से राइट एंगल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहां पे हमारे पास जो सेकंड मॉलिक्यूल है, लाइक जो भी सेकंड मॉलिक्यूल होगा इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा और यहां पे एंट्रा इंटरेक्शन होगी, तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे हम कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसकी हेल्प से इसको हम समझते हैं। तो लाइक हमारे पास यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एफएमओ की, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास होता है। सो ये कार्बन है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की तो यहां पे सबसे पहले हम साई वन साई टू साई थ्री लिख लेते हैं। सो यहां पे है ऑक्सीजन कार्बन एंड कार्बन, तो यहां पे हमारे पास थ्री पी ऑर्बिटल्स होंगी। सो यहां पे हम साई वन लिख लेते हैं। सो दिस इज साई वन, दिस इज साई टू एंड दिस इज साई थ्री। ठीक है, अब किस तरीके से लिखते हैं आपको पता ही है, लाइक यहां पे हम कोई भी नोड नहीं होती, सो यहां पे हम सेम चार्ज रखते हैं। देन यहां पे वन नोड होगी, सो यहां पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहां पे डिफरेंट चार्ज है तो यहां पे एक नोड आ जाएगी। यहां पे हमारे पास दो नोड होंगी, तो यहां पे अगर हम पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा एक नोड आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अगर हम यहां पे बात करें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, सो वन टू थ्री फोर, सो होमो हमारी ये हो जाएगी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड यहां पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये क्या हो जाएगी हमारे पास ल्यूमो। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड मॉलिक्यूल होगा, लाइक हमने इथीन मॉलिक्यूल ही ले लिया है, सो इथीन मॉलिक्यूल के लिए सीएच टू डबल बॉन्ड सीएच टू, तो यहां पे हमारे पास साई वन होगा एंड साई टू होगा। ठीक है, सो ये हमने ले लिया साई वन एंड दिस इज साई टू, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के अंदर लाइक कार्बन वन एंड कार्बन वन डैश, सेकेंड मॉलिक्यूल का जो कार्बन वन डैश होगा इसके बीच में इंटरेक्शन होगी, दिस इज कार्बन वन डैश। ठीक है, तो यहां पे कैसे इंटरेक्शन होगी, लाइक जो हमारे पास ये किटीन मॉलिक्यूल है इसका हम क्या लेंगे ल्यूमो, इसका हम क्या लेंगे ल्यूमो, ये हो गया हमारे पास ल्यूमो। एंड जो हमारे पास ये जो फर्स्ट जो सेकंड मॉलिक्यूल है दैट इज एल्कीन, सो इसका हम क्या लेंगे होमो। सो होमो इसका क्या हो जाएगा, होमो हमारे पास साइवन हो जाएगा क्योंकि यहां पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये हमारा ल्यूमो हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाली कंडीशन ले लेते हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, एंड यहां पे ल्यूमो क्या होगा हमारे पास, ये होगा, सो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं, लाइक नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे
नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अब इंट्रेक्शन क्या होगी, इस कार्बन की इस कार्बन के साथ इंट्रेक्शन होगी, सो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। सो यहाँ पे इंट्रेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, सो ये सुपरा सुपरा इंट्रेक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन किस तरीके से होगी, लाइक ये तो फर्स्ट कंडीशन थी जब कार्बन वन एंड कार्बन वन डैश के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब हम देखेंगे कार्बन टू एंड कार्बन टू डैश के बीच में किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। सो कार्बन कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन है हमारे पास। अब हम सेकंड कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, हम यहां पे कंसीडर करेंगे लाइक इसका हम क्या लेंगे, ल्यूमो, एंड इसका हम होमो लेंगे। सो इसका होमो हमारे पास क्या है, ये ले लेते हैं हम होमो। सो होमो इज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। एंड नीचे हम क्या ले लेंगे, यही हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल, इसका हम क्या लेंगे, ये हमने होमो लिया है तो इसका क्या लेंगे, ल्यूमो। सो यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है अब यहां पे ये अपने लोग को क्या करेगा, थोड़ा सा राइट एंगल में शिफ्ट करेगा, तो ये अब थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, इस तरीके से था। सो अब ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहां से एंथ्रा बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन फॉलो होती है जिसकी वजह से यहाँ पे हम थर्मल कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो ये हो गया किटीन एंड दिस इज एल्कीन। एंड यहां पे थर्मल कंडीशन, सो ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ये वाला इसके साथ। सो यहां पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एंड यहां पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। Now the next example is C double bond C Cl Cl double bond O plus H H thermal condition। So यहां पे इनके बीच में bond बन जाएगा and ये जो pi bond है इस carbon के बीच में bond बन जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। सो कार्बन को मैंने इस तरीके से शो कर दिया, यहां पे डबल बॉन्ड O है एंड इस कार्बन के ऊपर Cl एंड Cl, इस तरीके से शो कर दिया। एंड देन ये रिंग शो कर दी एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां पे कैसे लगे हुए हैं, सिस फॉर्म में। तो यहां पे इसको हम शो कर देंगे डैश से, तो यहां पे भी H को हम शो करेंगे डैश से, ठीक है। सो इस तरीके से एडिशन ऑफ किटीन्स होता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, होप आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।